और दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हेल्थ फिक्स हिंदी चैनल में। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जिसमें बहुत सारी जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं। दोस्तों, आज ऐसी ही एक जड़ी बूटी के बारे में हम बात करने वाले हैं जिसे सिर्फ जड़ी बूटी ही नहीं सुपर फूड भी कहा जाता है, और उसका नाम है मोरिंगा। जी हाँ दोस्तों, मोरिंगा के बहुत ज़्यादा फायदे माने जाते हैं। हिंदी में इसे सहजन कहा जाता है और वैज्ञानिक नेम इसका ओलिफेरा है। कैजुअली इसे हम लोग ड्रम स्टिक भी कहते हैं। इसकी सब्जी भी बनाई जाती है और इसके पेड़ को तने से लेकर जड़ और पत्तियां हर एक चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है और सभी में बहुत ज़्यादा पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। मोरिंगा में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ए, बी, विटामिन सी, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सारे चीज़ भरपूर मात्रा में पाई जाती हैं, इसीलिए इसे एक सुपर फूड का नाम भी दिया गया है। तो आज हम मोरिंगा के बारे में बात करेंगे कि मोरिंगा को क्यों चमत्कारी वृक्ष भी कहा जाता है, यह भारत में आसानी से मिल जाता है। तो चलिए जल्दी से बात करते हैं इसके फ़ायदों के बारे में। दोस्तों, सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया इसका फ़ायदा है कि ये आपके मोटापे को दूर करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहती है। जैसा कि आपको पता है, मोटापा कई बीमारियों का घर माना जाता है। मोटापे को दूर करने के लिए लोग आजकल बहुत से यत्न कर रहे हैं, जद्दोजहद में लगे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, कई तरह की डाइट वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आप भी ऐसे लोगों में से एक हैं और अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो आप मोरिंगा को इस्तेमाल कर सकते हैं, मोरिंगा की पत्तियां इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इसके आप कैप्सूल या फिर पाउडर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कैलोरी बहुत कम पाई जाती है और फाइबर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा इसमें और भी पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। तो अगर आप मोरिंगा को इस्तेमाल करते हैं तो पेट को कम करने और मोटापे को कम करने में ये बहुत फ़ायदेमंद मानी जाती है। दूसरा इसका फ़ायदा है कि अगर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो उससे भी निजात दिलाने में ये बहुत फ़ायदेमंद मानी जाती है। हाई ब्लड प्रेशर बहुत सी बीमारियों को न्योता देता है, जैसे कि आपकी हार्ट अटैक या फिर पैलराइज, ऐसी बीमारियाँ हो सकती हैं। तो यह एक गंभीर बीमारी है, तो इसे ठीक करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप मोरिंगा की पत्तियों का सेवन करते हैं या फिर इसके कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं तो आपका बीपी नॉर्मल हो सकता है। मोरिंगा का फ़ायदा आपके दांतों के लिए भी है। अगर आपके दांत ठीक नहीं हैं, दांतों को कीड़ा लग रहा है या फिर आपके दांत सड़ रहे हैं, तब भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप मोरिंगा का इस्तेमाल कीजिए या फिर मोरिंगा की लकड़ी की दातुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके दांतों को ठीक करने, उनमें से कीड़ा निकालने का बहुत फ़ायदेमंद इलाज है। मोरिंगा आपके रक्त को साफ भी करने का भी काम करता है, अगर आपका ब्लड क्लीन नहीं है, क्योंकि आपका रक्त साफ होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये आपके रक्त को एक नॉर्मल डेंसिटी, यानी कि नॉर्मल, इसके अलावा ये आपके रक्त को एक नॉर्मल लिक्विडिटी पे भी लाने में मदद करता है। कुछ लोगों का रक्त बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, कुछ का बहुत ज़्यादा पतला होता है, तो नॉर्मली आपका रक्त या फिर खून एक नॉर्मल लिक्विड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको चोट वगैरह लग जाती है तो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। ये आपके कैलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करने का फ़ायदा देता है। अगर आपका कैलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ रहा है, आजकल के तैलीय खानों की वजह से कैलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो कैलेस्ट्रॉल भी दिल की बीमारियों को बहुत न्योता देता है। तो अगर आपका कैलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो कैलेस्ट्रॉल को नॉर्मल करने के लिए या फिर उसे कंट्रोल करने के लिए भी सहजन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपको डायबिटिक की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, तो उसमें भी आप सहजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पत्तियों में राइबोफ्लेवोन तत्व पाया जाता है जो कि आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। मोरिंगा आपकी आँखों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद माना जाता है। अगर आपकी आँखों की रोशनी कम हो रही है, आईसाइट वीक है, या फिर आँखों में और कोई प्रॉब्लम है, ड्राई आइस है, तो इन सभी प्रॉब्लम से भी निजात दिला सकता है मोरिंगा। तो अगर आपकी आंखों की कोई प्रॉब्लम है तो मोरिंगा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी आंखों के लिए फ़ायदा देता है। जो लास्ट फ़ायदा है वो बहुत ज़्यादा इसके लिए माना जाता है, वो है गठिया के लिए। दोस्तों, आजकल गठिया रोग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। गठिया के लिए आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा बढ़िया इलाज मोरिंगा को ही माना जाता है। इसमें अनेक प्रकार के पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को तंदुरुस्त बनाते हैं। प्रतिदिन सुबह शाम इसका सेवन करने से पुराना गठिया रोग भी दूर हो जाता है। इसके अलावा सहजन की फली को वात रोगों या फिर जोड़ों के दर्द के लिए भी फ़ायदेमंद माना जाता है।
तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं सहजन के। तो अगर आप सहजन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से ख़रीद सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो मैंने फ़ायदे बताए हैं तो उसमें से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे मिल सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जिन्हें कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई सहजन के बारे में जानना चाहता है। तो मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।